जय एम्पोरिया। अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अमरली शोर आप आए हो तो कुछ कर जाओगे बहुत ज्यादा खास, और मैं देख सकती हूँ यहाँ पर कि कुछ अलग दूसरी दुनिया का कुछ लेकर आए हो। दूसरी दुनिया, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। अब देखिए, अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और आज जो बात निकली है तो बात कहाँ तक जाएगी मैं बताता हूँ, जूनागढ़ के महलों तक जाएगी। जूनागढ़ के महलों की हम बात करते हैं, यानी जूनागढ़ कहाँ, गुजरात के अंदर जो जूनागढ़ जिला है वहाँ पर, उन महलों की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर राज किया करते थे कौन, नवाब, काठियावाड़ी नवाब राज किया करते थे। और इंडिया से जाने से पहले, पलायन से पूर्व, वो कुछ खजाना इंडिया में भूल गए थे तहखाने के अंदर, और वो खजाना जब भारत सरकार को मिला आज़ादी के बाद में, तो उसे देखते ही लोगों की आँखें चौंधिया गई कि ये क्या है। यानी चार चीज़ें उस खजाने के अंदर, जो ज्वेलरी थी उसके अंदर चार चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा विशेष थी। वो चार विशेष चीज़ें क्या है ये हम आपको एक मिनट के दौरान बताएंगे, जल्दी जल्दी में नहीं, लेकिन हाँ आराम से समझाएंगे। उन्हें आप नोटिस कीजिएगा उस कलेक्शन में जो कलेक्शन हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली चीज नोटिस कीजिएगा, रोज कट ऑस्ट्रेलियन डायमंड की खूबसूरती। यानी रोज कट यानी गुलाब के फूल की कली की तरह तराश दिया जाता है ना, जब हीरो को गुलाब के फूल की कली की तरह तराश दिया जाता है तो कैसा लुक देते हैं, एंटिक लुक देते हैं। लेकिन वो लुक जो 400 वर्षों तक बहुत फेमस था, वो नोटिस कीजिएगा। दूसरी चीज क्या नोटिस करने वाली है, दूसरी चीज नोटिस करने वाली है गेरुआ गोल्ड प्लेटिंग। यानी आप देखें गेरुआ गोल्ड कलर, यानी गेरुआ गोल्ड यानी एक ऐसा गोल्ड, सोने का वो कलर जो लालिमा युक्त हो, यानी एक लालिमा को लेकर के आया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि शुद्ध सोने की, ऐसा लग रहा है तपता हुआ सोना। एक होता ना तपता हुआ सोना, मतलब यू विल फील लाइक दैट, वो चीज आपको लगेगा प्योर गोल्ड, क्या चीज, आपका मजा आएगा उसको देख करके। तीसरी चीज आप नोटिस कीजिएगा, फिलीग्री आर्ट वर्क। वो आर्ट वर्क था राजे महाराजे अपने खुद की शाही सुनार हुआ करते थे उनके, जो जूली घड़ा करते थे और महीनों वर्षों तक वो जूली का निर्माण करते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं रोशनी, उस वक्त जो शाही सुनार होता था ना, जो गहने बनाता था, वो क्या करता था, अगर अच्छे ज्वेलरी बनाई तब तो इनाम मिलता था, और अगर ज्वेलरी पसंद नहीं आई तो सर कलम हो जाता था। तो उनकी जान पे बनी रहती थी हर वक्त, तो वो पूरे दिल और जान से उसे निर्माण करते थे। वो डिजाइन, वो खास फिलीग्री आर्ट वर्क, वो शाही लुक आपको इसमें नजर आएगा। यानी इन तीनों चीजों को मिलाकर के आपको जो चीज नजर आने वाली है ना, वो नजर आएगी ऐसे लगता है कि खजाने में से ये ज्वेलरी पीसेस निकाल करके आपके लिए हम लेकर के आए। और इसकी शुरुआत कर दें हम इस ग्रैंड पीस से। बिल्कुल, ये वास्तव में ऐसी चीज है जिसे देखने मात्र से आप फील करेंगे यू आर लकी दैट यू आर गोइंग टू वॉच दिस। वास्तव में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इतनी नायाब होती है, इतनी खास होती है, जिन्हें देख करके एहसास होता है कि काश, मतलब मेरे को ये भी देखना था, दिस इज व्हाट समथिंग ग्रेट आई वुड हैव सीन। आप देखिए, आप दिखाइए, एक ऐसा चीज, ऐसी चीज है, ऐसी चीज जिसे देख करके, जिसे अगर आपने पहन लिया तो आपको रानी से कम तो इस दुनिया में तो कोई समझ ही नहीं सकता। रोशनी, अगर आपने इसे पहन लिया ना, और जिस किसी ने भी इसे पहन लिया, यहाँ हाथ मत लगाइए, यू नो डायमंड्स पे हाथ, देखो रोशनी इस, मतलब दिस इज व्हाट विच इज फॉलिंग इन लव विद दिस प्लेस, मतलब चीज से प्यार हो जाता है अपने आप, हाथ लगा के देख रही है। बट हाथ से क्या होता है, हाथों पे जो मॉइस्चराइजर होता है, मेकअप मटेरियल होता है, पूरा का पूरा डायमंड के ऊपर लेयर की तरह चढ़ जाता है। सो इसलिए मैंने मना किया रोशनी को, सॉरी मैंने आपको टोका, बट इट हैपेंस, योर रिएक्शन वॉज नेचुरल, बट योर रिएक्शन वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज दिल करता है छूने का, दिल करता है, दिखाओ तो सही, हम बातें कब तक करेंगे रोशनी, कब तक आप और हम अकेले ही देखते रहेंगे, दिखाइए। ऐसी चीज क्या नोटिस करेंगे, नोटिस कीजिएगा रोज कट डायमंड्स की खूबसूरती। और ये रोज कट डायमंड्स कौन से, ऑस्ट्रेलियन रोज कट डायमंड्स हैं, यानी आपके और हमारे और पूरी दुनिया के प्रिय आर्गाइल डायमंड्स। जी हाँ, ये वही डायमंड्स, ये इसे कहते हैं रानी हार, जूनागढ़ी रानी हार। वाह, इस जूनागढ़ी रानी हार के अंदर जितने डायमंड्स लगे हैं सुन करके आपको मजा आएगा। 2.3 कैरेट के, यानी 2.25 कैरेट से ज्यादा के इसमें असली हीरे लगे हुए, रोज कट ऑस्ट्रेलियन डायमंड, यानी आर्गाइल हीरे जिन्हें रोज कट दिया गया है, यानी गुलाब के फूल की कली की तरह तराशा गया है ताकि खूबसूरत नजर आए और साथ ही साथ
विंटेज लुक दें, हेरिटेज लुक दें। और आप नोटिस कीजिए फिलिग्री आर्ट वर्क, अभी प्राइस आएगा लेकिन आप देखिए तो सही प्राइस किसका पे करेंगे। आप पहले वैल्यू तो देखिए, आप फिलिग्री आर्ट वर्क देखिए, आप एक आप नोटिस कर पा रहे किस तरीके से हाथ से इसे बनाया होगा कारीगरों ने, और इसके लिए कारीगर हम कहाँ, किस तरीके से हम जूनागढ़ जाकर के इसके लिए कारीगरों को ढूंढ करके, यानी जिनके पूछते नहीं काम था ये उन राजसी घरानों के अंदर, काठियावाड़ी नवाबों के यहाँ पर उस शासन काल में जिन जो काम किया करते थे, ऐसे कारीगरों को हमने ढूंढा आपके लिए, ताकि आपके लिए वो घड़े, वो चीज़ घड़ दी जाए आपके लिए, जिसकी वजह से इतिहास सम्मानित फील करता है। बिकॉज ये वो चीज़ है जिसे पहन करके आप खुद गौरवान्वित फील करने वाले, यू आर गोइंग टू फील लाइक प्राइड, बिकॉज 2.3 कैरेट के जेन्यून आर्गाइल डायमंड्स इन रोज कट, और साथ ही साथ फिलिग्री आर्ट वर्क जो शाही लुक जिसे देख करके आप कहेंगे क्या चीज़ है, और साथ ही साथ रूबी भी है इसके अंदर, 1.4 कैरेट के रूबी है, और गेरुआ कलर रंग दे तू मोहे गेरुआ, गाना आपने बहुत सुना होगा। गेरुआ से होता क्या है, मतलब एक लालिमा लिया हुआ वो कलर जिसे पाकर के ये देखिए, इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की गई। हमेशा आप देखते हैं कि स्टर्लिंग सिल्वर में प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जिम्पोरिया पे, यानी 92.5% प्योर चांदी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जब हम गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं वो अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन इस पे और भी ज्यादा खास है क्योंकि इसके ऊपर गेरुआ गोल्ड प्लेटिंग की गई है, जिसकी वजह से इसमें शुद्ध सोने का ऐसा लगता है कि तपते हुए सोने के अंदर इसे तैयार किया गया। Exactly, ये है इसकी खास बात, लग ना रहा है ना रोशनी, लग रहा है ना कि खजाने से लेकर के इसे लेकर के खजाने से निकाल करके लेकर के आपके लिए, और एक बार में फाइनल प्राइस आपके स्क्रीन पे आने वाला है। सोचिए ये वो चीजें हैं जिसे पाने के लिए लोग तरसते, लोग ढूंढते ऐसी चीजें, उन्हें मिलती नहीं। क्राफ्टमैनशिप का ये बहुत ही अनूठा उदाहरण, 18,999 बताइए, 18,999 के अंदर ये 26 ग्राम स्टर्लिंग सिल्वर में बना हुआ है, 26 ग्राम इसका वजन है, अगर ये सोने में बनाया गया होता रोशनी तो करीबन 4 तोला के होता, करीबन 4 तोला, और उस 4 तोला के अंदर जो बनता उसके अंदर 40,000 रुपए कम से कम, 1,000 रुपीज पर ग्राम मेकिंग चार्जेस आप पे करते। ऐसे जो नेकलेसेस होते हैं जिनमें फिलिग्री आर्ट वर्क होता है, इनमें मेकिंग चार्जेस 1,000 रुपए नहीं होते, 3-4 हजार होते, क्योंकि मुंह देखे दाम होते हैं, मेहनत का काम होता है जिनमें बहुत वर्ष लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है जिसे बनाने में। वाह, कमाल की कारीगरी और कमाल की खूबसूरती और कमाल का क्लास, आप देखिए आपके लिए तैयार किया गया ये जूनागढ़ी आर्ट का ये नेकलेस रानी हार। अभिजीत सर, मुझे स्पेशली क्योंकि ये नेकलेस को देखकर लगा है कि इतनी बारीकी से काम है, मैं देख सकती हूँ हर एक डायमंड को वो बेजल सेटिंग दी गई है, विच इज अगेन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सेट, और उसमें मैक्सिमम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक आज मैंने इसको वेयर किया हुआ है, और मुझे लगता है अभिजीत सर की कैमरा भी पूरी तरह से इसकी खूबसूरती नहीं आ सकती, नहीं कर नहीं पा रहा। आप देखिए रोशनी ने अभी पहना है, आपको नहीं लग रहा कि रानी साहिबा है? ऑफ कोर्स, डोंट यू थिंक कि जूनागढ़ से सीधे यहाँ पर जयपुरिया में शो करने के लिए चली आई है? बिकॉज ये लुक है इसका, ये अंदाज है, आप अगर इसे इंडियन वेयर के साथ में पहनेंगे ना तो रोशनी मैं बता रहा हूँ दुल्हन के जैसा फील करेंगे, और अगर एक दुल्हन है जिसकी शादी होने वाली है अगर वो इसे पहन ले तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू फील लाइक एक शाही शादी में शरीक होने वाली, यू नो। इसे पहन करके अगर कोई जाता भी शादी ब्याह में भी जाता है, 14 जनवरी के बाद में शादी विवाह के जो मुहूर्त है वो वापस से शुरू हो जाएंगे, उत्सव वापस से शुरू हो जाएंगे, तो सोचिए अगर आप इन्हें पहन के जाएंगे तो इट्स यू आर गोइंग टू फील लाइक कि आप किसी शाही शादी को अटेंड करने वाले हैं। और कान भी बहुत सुने सुने लग रहे हैं, लेकिन नेक तो मेरा पूरा सज गया है जी, इयररिंग के लिए, कानों के लिए, कानों के लिए, ओके, कमाल की चीज। आप देखिए कानों के लिए जो इयररिंग्स हैं वो भी इसी के मैचिंग के इयररिंग्स हैं, उनके अंदर भी कमाल के रत्न लगे, सेम डायमंड्स, यानी ऑस्ट्रेलियन रोज कट डायमंड्स। रोज कट डायमंड्स क्या होते हैं यह हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के अंदर, समझाएंगे, लेकिन ये आप इतना सा मान लीजिए कि गुलाब के फूल की कली की तरह हीरों को जब तराश दिया जाता है तो उसे बोला जाता है रोज कट डायमंड्स। उनकी खूबसूरती, उनका क्लास अलग है। 4 सदियों तक, 1500 से लेकर के 1900 तक,
यानी अभी हम वर्ष 2019 के अंदर हैं। मैं बात कर रहा हूँ सन 1500 की, 1500 से लेकर के 19 तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेमस था ये रोज कट। ये पहला ऑफिशियल कट था कि जो डायमंड को दिया गया था, उससे पहले कोई भी ऑफिशियल कट नहीं थे, कोई भी स्पेसिफाइड नहीं थे, जिसको जैसे मर्जी आता था कट कर लेता था। ये वो कट है जो राजे महाराजाओं के खजाने के अंदर मिली हुई ज्वेलरी के अंदर देखने को मिलता था। ये वो कट है जो उस जमाने के अंदर केवल राजे महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के लिए उपलब्ध था, आम आदमी के लिए तो उपलब्ध ही नहीं था, बिकॉज इसके अंदर एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न में हीरे को काटा जाता है, एक सेट पैटर्न होता है। वो खूबसूरती जिसे देख करके आप मेस्मराइज्ड फील करेंगे, वो खूबसूरती जिसे पहन करके आप शाही, आप बोलने की जरूरत ही नहीं, इतना ही है आप सिर्फ रोशनी। आज आप शो में सिर्फ एक ही काम है, इतना ही है बोलना, क्योंकि कहते ना बिन बोले आपके बोल, बोलते हो ना आप कुछ, आप कुछ बोलते हैं ना ऐसा, बिन बोले आपके बोल, क्या कुछ बोलते हैं आप? बिन बोले ज्वेलरी वही जो बिन बोले बोले आपके बोल। आप बताइए, अपने आप कहती है ये है जूनागढ़ी आर्ट ज्वेलरी, जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन का आप रानी हार देख रहे हैं और उसी की मैचिंग की इयररिंग्स देख रहे हैं और दोनों की प्राइस आपके स्क्रीन पे। इयररिंग्स की भी खास है, बहुत खास है, क्योंकि उसके अंदर लगे हुए 2 कैरेट के हीरे और 3 कैरेट का रूबी। सोचिए 5 कैरेट के हीरे जवाहरात लगे हुए इन इयररिंग्स के अंदर, और कितने गजब लग रहे हैं भाई। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ये पर्सनली, और मुझे लगता है इतना गजब डिटेलिंग है इसमें। आप खुद देखो, ऑस्ट्रेलियन रोज कट डायमंड्स है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन वर्क। देखिए एक चीज ऐसी है जिसे देख करके आप खुद कहेंगे कि कैसे बनाया होगा, और आपके लिए बनाया है जिम्पोरिया ने। हमने ये आज रोशनी जिस प्राइस पे मिल रहा है, इस प्राइस पे सपना है, मैन्युफैक्चरिंग हमने कर दी, हम हीरे भी दे रहे हैं, 2.3 कैरेट के डायमंड, 2.25 कैरेट से ज्यादा हीरे हैं आपके पास में। सोचिए इस प्राइस में, आप सोचिए असली हीरे, वो कौन से वाले हीरे, ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स, ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड ऑस्ट्रेलियन डायमंड, यानी आर्गाइल डायमंड जो सीधे ऑस्ट्रेलिया से आप तक आते हैं, हम लेकर के आते हैं चेन ऑफ कस्टडी प्रोग्राम के अंतर्गत। आपको पता है चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, सीधा आप सोचिए कितने जबरदस्त, इसलिए आपको वो वैल्यू मिल रही है, असली हीरे हैं। किस तरीके से आप देखिए एंड्स यहां से लेकर के फिलिग्री आर्ट वर्क यहां से शुरू हो गया है, और फिलिग्री आर्ट वर्क को शुरू करके जब यहां आते हैं तो यहां पर फिर मानिक ने अपना काम दिखाना शुरू किया, मोज़ाम्बिक रूबी के सारे टेस्ट लगाए गए, और फिर देखिए एक एक जंक्शन क्राफ्टमैनशिप का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है ये रानी हार। कौन सा रानी हार? जूनागढ़ी रानी हार। आप सोचिए जूनागढ़ में रानियां पहनती थी तो कितना ग्रेस नजर आता होगा उनके चेहरे, क्या क्लास नजर आती होगी। ये चीज ही ऐसी है जिसे देख करके आप खुद महसूस करेंगे कि ओहो, मतलब जिम्पोरिया में इतने ज्वेलरी पीसेस आते हर बार, और इस रानी हार ने एक खूबसूरती का पैमाना बहुत ऊपर कर दिया, बहुत ऊपर कर दिया। आप देखिए किस तरीके से एक एक फिलिग्री आर्ट वर्क, यहाँ पर पूरी तरीके से फिलिग्री आर्ट वर्क है, और ये डायमंड का सेक्शन, और यहाँ पर जितने भी डायमंड्स आप देख रहे हैं ये है रोज कट ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स। और रोज कट ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स क्या होते हैं उन्हें हम समझाएंगे आपको एक ड्राइंग के दौरान, एक पीपीटी के दौरान, लेकिन उससे पहले एक बार इसे समझ लें। और ये सारी लिंकिंग जॉइंटिंग की गई, यहाँ पर लिंक बनाए गए हैं ताकि ये फ्लैक्सीबल रहे और आपके नेक पर ठीक तरीके से फॉल आए इसका, और वो खूबसूरत अंदाज नजर आए जिसे देख करके हर कोई कहे वाह कहाँ से लाए चीज। डायमंड्स और रूबी का कॉम्बिनेशन है, और गेरुआ गोल्ड प्लेटिंग है, गेरुआ गोल्ड प्लेटिंग इस डायमंड नेकलेस को, इस रानी हार को, जूनागढ़ी रानी हार को 24 कैरेट शुद्ध सोने का नेकलेस बना देती है, 24 कैरेट शुद्ध। और क्वांटिटी हमारे पास में लिमिटेड है, मुझे बताया गया कि वी हैव ओनली 14 पीसेस, केवल 14 पीसेस है, 14 पीसेस फॉर अक्रॉस नेशन, 7 करोड़ फैमिलीज देखते हैं, फर्स्ट 14 पीपल विल बी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। वास्तव में ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप खुद मंगा के देखेंगे ना, उसके बाद में आपको क्लास महसूस होगा, बिकॉज आप देखिए किस खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया है, और इसके अंदर 2.3 कैरेट वैल्यू देखिए, 2.25 कैरेट से ज़्यादा के आपको डायमंड्स मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन रोज कट डायमंड, इन आपके आर्गाइल डायमंड्स जिन्हें इस बार रोज कट में फिर तराशा गया है। और साथ ही साथ आप देखिए फिलिग्री आर्ट वर्क जो आपको बताता है कि शाही अंदाज देता है, और गेरुआ गोल्ड प्लेटिंग जो इसे शुद्ध सोने का आभास कराता है। सोचिए इतने बड़े एरिया में सोने की प्लेटिंग की गई 1 माइक्रोन की, तो कितना सोना चढ़ गया होगा उसके ऊपर, सोचिए। और आपको जिस प्राइस पे मिल रहा है
अनबिलीवेबल है, इसलिए हम सर्टिफिकेट देना पड़ता रोशनी, क्योंकि विश्वास नहीं होता कि कैसे संभव है। कमाल की बात, और पूरा हिंदुस्तान इसका दीवाना है। देखिए लुक रोशनी, पूरा टीवी का स्क्रीन भर चुका है इस वक्त, इतने लोग फोन लाइन पे। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपका कॉल जरूर आंसर किया जाएगा, बिकॉज एवरी पर्सन वुड लाइक टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी फॉर देयर बेटर हाफ। इस वक्त हस्बैंड वाइफ दोनों टीवी देख रहे हैं, और रोशनी ये सभी के लिए रोशनी कुछ कहना चाह रही है। रोशनी मुझे कह रही है सर मुझे भी कुछ कहना है इसकी खूबसूरती के बारे में। आप इतना ज्यादा खो गए थे इसकी खूबसूरती को कि साथ तो मुझे लगा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक सब कुछ इतना ज्यादा खास है, स्पेशली आपके लिए। ओके, तो ये जो डील है वो तो बहुत जल्दी क्लोज होने ही वाली है, लेकिन एक्चुअली में मुझे किसी रानी से कम फील नहीं आ रहा है, क्योंकि जूनागढ़ी आर्ट, ऑफ कोर्स अपने आप में नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जूनागढ़ का मतलब ही होता है कि पुराना नगर। तो इतने समय पहले जाकर हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं आपके लिए जिसका एक अलग ही कलाकृति सामने आई है, जिस बारीकी से इनको बनाया गया है, जो ग्रेस कल्चर का इसमें नजर आता है, जो ट्रेडिशन इसमें नजर आता है, आई डोंट थिंक कि किसी और चीज में इतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। लगातार कॉलर्स हैं हमारे साथ, अगर आपके घर में शादी है, सगाई है, देयर आर कस्टमर्स जो हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। चंडीगढ़ से आई कैन सी सो मेनी कॉलर्स, सगाई है आपके घर में, शादी है, डेफिनेटली ऐसा कुछ दीजिए जो कोई भी नहीं दे सकता आपको। रोशनी इतना कलेक्शन है, मुझे लगता है हमें कहना चाहिए हमारे व्यूअर्स के साथ में, हमारे पास में केवल, आपके पास में केवल 2 मिनट है इसे निहारने के लिए, उसके बाद में पूरा जीवन पड़ा है जो आप, क्योंकि आपके जीवन को जिस तरीके से संवारेगा ना, पूरे जीवन भर के लिए संवारेगा। कितनी बार आप सोचिए जो फीलिंग आपको आने वाली है। रानी हार है, जूनागढ़ी रानी हार, जिसके अंदर 2.25 कैरेट से ज़्यादा के रोज कट ऑस्ट्रेलियन डायमंड लगे हुए हैं। वाह, कमाल की खूबसूरती, खूबसूरती अपनी चरम सीमा पे, जो व्यक्ति इसे पाएगा सोचिए क्या फीलिंग। आप अभी आपने पहना हुआ, आपकी फीलिंग है। वो कहते हैं ना कई बार इंटरव्यू लेते हैं, आप कैसे महसूस कर रही है मैडम, अपने आप को रानी की तरह महसूस कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल मैं कर रही हूँ रानी की तरह, और मुझे लगता है कि ऐसी ज्वेलरी पीसेस बहुत 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 लकी लोगों के पास ही पहुंच सकती है, अगर पॉसिबल कर पाए हैं हम। तो इसके पीछे भी जो एफर्ट्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, जो प्रोसेसिंग है, जो प्रोक्योरमेंट है, ये सारी चीजें भी हैं अभिजीत जी, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी जब हम डील्स देखते हैं ना तो टीवी पे हमें लगता है अरे बहुत आसान है, क्या दिक्कत है। एक एक चीज, और ये इयररिंग्स भी है ना, ये जो डैंगलर्स आप देख रहे हैं ये भी कमाल है, इनमें 5 कैरेट के हीरे जवाहरात लगे। सोचिए 5 कैरेट के हीरे जवाहरात लगे हुए, डायमंड का साइज इतना जबरदस्त है, नोटिसेबल है, बेजल सेटिंग में सेट किया गया। आप देखिए ऐसा लगता है कि सोने की वायर लेकर के एक सोने के रस्से से आउटलाइन बनाई गई है, और बीच में डायमंड्स का पूरा बाग सजा हुआ, और हर डायमंड को रोज कट में कट किया गया है और तराशा गया है और बेजल सेटिंग में सेट किया गया है। और ये बेजल सेटिंग का काम जो होता है पूरी तरह से हाथ से होता है, हैंड क्राफ्टेड है पूरी तरह से हाथ से काम किया जाता है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। ऑस्ट्रेलियन डायमंड वैसे ही ढाई गुना ज्यादा हार्ड होता है, इन्हें किसी भी कट में डालो ढाई गुना ज्यादा मेहनत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा परफेक्ट कॉम्बो बनता है जहाँ पर आप इयररिंग्स के साथ नेकलेस को वेयर करते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये जो गेरुआ प्लेटिंग है, मुझे लगता है ये बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लिए भी, क्योंकि देखने में ही ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। So, एक बार लुक दिखा दीजिए, जो रोशनी दिखाना चाह रही है हाथ पे वो लुक दिखा दीजिए, क्योंकि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं इसका क्लोज लुक देखना, इयररिंग्स का क्लोज लुक देखना चाहते हैं। तो आपने हार का क्लोज लुक देखा है, मैं चाहती हूँ इनके साथ अगर आप इयररिंग्स भी पेयर अप करना चाहें तो बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है अपने आप में, सच अ वंडरफुल पीस। आप देखिए हर एक हीरा जो साइज देखिए, रोज कट में है, ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स है यहाँ पर, बेजल सेटिंग में हर एक डायमंड को सेट किया हुआ है। लेंथ देखिए आप पूरी की पूरी, साइज देखिए, ये मोजाम्बिक रूबीज है जो सेट किए गए हैं, गजब लगने वाला है। मतलब 3 कैरेट के रूबी है, 1.5 कैरेट का एक एक सॉलिटेयर है, सोचिए। तो चलिए इसी के साथ हम डील यहां पर इस महारानी हार का, महाराज रानी हार का क्लोज करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है, मैं देख रही हूँ अभिजीत सर किसी चीज में खोए हुए हैं। ओ माय गॉड, एक बहुत ज्यादा रॉयल अंगूठी है, एक रॉयल अंगूठी है, बिल्कुल आपने कहा, शाही अंगूठी है। और वास्तव में जिसे देख के आप कहेंगे कि क्या डिजाइन निकाल के लाए, कहाँ से लाए हैं। मैंने बताया था ना कि जूनागढ़ से हम कारीगर लेकर के आए हैं, वहाँ ढूंढा किस तरीके से हमने उसे ढूंढा, जैसे हीरों को खान में ढूंढा जाता है ना, ऐसे उस हीरे को हम आपके लिए, वो कारीगर है, नाम नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्हें लेके आए ताकि वो ये इसका निर्माण करें आपके लिए। सोचिए असंभव है, बाकी लोगों के लिए सोचना भी संभव नहीं है। अब देखिए
एक कैरेट के हीरे लगे, जनरली होता है CT1 कलेक्शन की बात करते हैं किस रेंज में आते हैं, और साथ ही साथ रूबी का साइज देखें। और ये बिल्कुल जो स्टेप्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये तो क्या बात है, सोचा आसन है ये पूरा, रानी का आसन, रानी और का ये रानी ये रूबी है। आप देखिए एक ऐसी अंगूठी आप देखने वाले हैं, एक शाही अंगूठी आप देखने वाले हैं जिनके अंदर लगे हैं वही रोज कटा है, वही जूनागढ़ी डिजाइन, वही जूनागढ़ी आर्ट, और वही आर्गेन डायमंड्स की खूबसूरती रोज कट के साथ में। आप देखिए वाओ, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टार, पहली बार जयपुरिया पे लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज अ स्टार बाय पीस फॉर यू। ओ माय गुडनेस, लुक एट दिस, एक स्टार बाय पीस है स्पेशली आपके लिए, बहुत ही ज्यादा खास साइज देखो, रोशनी आपकी छोटा पड़ गया, आपकी फिंगर छोटी पड़ गई है, 2.5 कैरेट का रूबी का सॉलिटेयर है ये, आप सोचिए एमरल्ड कट में से कट तराशा गया है 2.5 कैरेट का, क्या और 1 कैरेट के हीरे लगे हुए, वही रोज कट ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स यानी आर्गाइल डायमंड्स की वही खूबसूरती, रूबी का इंटेंस रेड कलर आप देखिए, और आप देखिए किस तरीके से इसे बुनाया गया, एक कितनी साइज देखिए, कहते राजे महाराजाओं के तो होता ही यही था रोशनी, क्योंकि रानियां बहुत दूर बैठा करती थी, तो इसलिए उनके गहने जानबूझ करके बोल्ड बनाए जाते थे ताकि दूर जो जनता उन्हें देख रही है उन्हें ज्वेलरी नजर आए, छोटे छोटे ज्वेलरी पीसेस तो नजर ही नहीं आते थे। तो आप सोचिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर जनता काफी दूर बैठी है, रानियां दूर बैठी है, रानियों से जनता काफी दूर बैठी है, तो छोटे छोटे ज्वेलरी पीसेस तो नजर ही नहीं आएंगे, इसलिए इतने बड़े बड़े ज्वेलरी पीस बनाया करते थे ताकि दिखे, जनता को दिखे हो रानी साहब ने कुछ पहना है, जबरदस्त गहने पहने, हर चीज के पीछे एक लॉजिक वगैरह, 2.5 कैरेट का रूबी है अकेला, और सोचिए 2.5 कैरेट का सॉलिटेयर होने की वजह से इसका प्राइस जो है इसकी वैल्यू 5 गुना बढ़ जाती है। आप GIA की वेबसाइट पर जाकर के अगर गूगल करके देखते हैं, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो रूबी का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे पर कैरेट रेट उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, सो 2.5 गुना ज्यादा इसकी पर कैरेट रेट है, और 2.5 कैरेट में है तो कम से कम 5 गुना ज्यादा वैल्यू का ये अकेला रूबी रूबी है, और साथ में 1 कैरेट के आर्गाइल डायमंड्स रोज कट के अंदर, और वही गेरुआ गोल्ड की प्लेटिंग जिसकी वजह से आपको लगता है 24 कैरेट खालिस सोने में से इसका निर्माण किया गया है। अभी प्री बुकिंग डील आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, वक्त आ गया जब हम इसकी फाइनल प्राइस लें ताकि हमारे व्यूअर्स, और देखिए शुरुआत हो चुकी है रोशनी, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, और Oh my God, मतलब म्यूजिक चेंज हो रहा है, जैसे जैसे म्यूजिक चेंज हो रहा है दिल की धड़कन, 3.5 कैरेट, 3.5 कैरेट के हीरे जवाहरात, आप सोचिए जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन, आपको वहां गए बिना हमने आपके घर तक पहुंचाया है ये चीज, ये कलेक्शन, ये पूरा कलेक्शन है, एक पीस खरीदने का नहीं है, पूरा कलेक्शन बनाने का अवसर है, और सोचिए किस प्राइस पे, आप ये प्राइस कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो मेकिंग चार्जेस छोड़ दीजिए, मार्जिन होता है ऐसे ज्वेलरी पीसेस के अंदर, 1 कैरेट के हीरे हैं, आप सोचिए अगर 1 कैरेट के हीरो में डील करता है कोई व्यक्ति तो 5-7 हज़ार रुपये मार्जिन नहीं कमाएगा, 2.5 कैरेट का रूबी है, हमने बनाया भी है इसे, हमने इसका निर्माण भी किया है, GST भी इंक्लूडेड है, आपके घर तक पहुंचाएंगे, शिपमेंट इज ऑल्सो देयर, 30 डेज मनी बैक गारंटी, चेन ऑफ कस्टडी प्रोग्राम के अंतर्गत आर्गाइल डायमंड्स आप तक आते हैं, जिसकी वजह से बहुत छोटी हो जाती है सप्लाई चेन, इससे छोटी सप्लाई चेन हो ही नहीं सकती, आर्गाइल से निकलता है, डी नवीचंद्रा के पास में पहुंचता है, वहां पे इन्हें तराशा जाता है हीरो को, और वहां से जयपुरिया के पास आता है जिस जहां पर हम झूले का निर्माण करते हैं, सीधे आप तक पहुंचाते हैं बिना किसी मीडिएटर के, जिसकी वजह से आपको इतनी कॉस्ट इफिशियंट डील मिलती है, पॉकेट फ्रेंडली डील मिलती है, इसका मतलब यह है कि वैल्यू कहीं ज्यादा है, यू आर सेविंग, इसका सीधा सीधा मतलब यही है, यू आर मेकिंग ह्यूज सेविंग, आप जबरदस्त सेविंग करें, और झूले के बारे में तो वैसे भी कहा गया है कि ज्वेलरी हमेशा सेविंग्स कंसिडर की गई है, खर्चा नहीं, यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी, यू आर मेकिंग योर सेविंग्स ब्यूटिफुल, आप उन्हें और खूबसूरत बना रही है, अलग 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 उंगलियों में पहन करके रोशनी देख रही है, रोशनी इज सर्चिंग फॉर वर्ड्स की हाउ
टू एक्सप्लेन दिस. आप इसके डिजाइन को एक बार मुझे बीजी पे दीजिए रोशनी. दिस इज व्हाट विद स्टनिंग स्टनिंग. ये सबसे बड़ी अभी तक जितने भी रिंग्स आई हैं जयपुरिया में जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन के अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ी रिंग है. सबसे बड़ी रिंग है 3.5 कैरेट के रत्न लगे हीरे जवाहरात रोशनी. 3.5 कैरेट मतलब हार बन जाते थे 1.5 कैरेट. हाफ कैरेट में बहुत नेकलेसेस खरीदे होंगे आप. हाँ. सोचिए हाफ कैरेट के 2 नेकलेस बन जाते हैं इसके अंदर. इतने हीरे हैं इसके अंदर, इतने हीरे हैं. और किस प्राइस पे आपको मिल रहा है? वैल्यू देखिए, वैल्यू प्राइस से कम 10 गुना ज्यादा है. 10. यू आर गेटिंग 10 times मोर वैल्यू देन द प्राइस विच यू आर गोइंग टू पे. द प्राइस इज नथिंग. थिंक, डोंट थिंक अबाउट द प्राइस, थिंक अबाउट द प्राइड. यस, थिंक बिग, थिंक बिग. बड़ा सोचिए, राजसी सोचिए, शाही सोचिए. अरे जरूरी है क्या? अब देखिए, जीवन है, जी ली तो जिंदगी है, नहीं तो काट लेते हैं लोग. सही बात कहते हैं ना. हाँ. याद नहीं जिएंगे तो जीने कट जाते. तो जीने में डिले कीजिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाइए. हाँ. और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए हम हैं ना, 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ में हम हैं. अगर आपको ना लगे कि आपके जीवन बिल्कुल सही बात है, दिलों में जिंदगी भरी. आप देखिए ये आर्ट वर्क, थोड़ा सा क्लोज लुक दीजिए मुझे ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं क्या बनाया है. आपको बहुत जबरदस्त वैल्यू मिल रही, यकीन मानिए. ये 2.5 कैरेट का अकेला रूबी, 2.5 कैरेट ये विच ये रूबी जो है एकमात्र 5 गुना ज्यादा वैल्यूएबल रूबी है इन कंपैरिजन ऑफ सेम रूबी ऑफ 1 कैरेट. यही रूबी 1 कैरेट का होता और ये रूबी 2.5 कैरेट का है. 2.5 कैरेट का रूबी होने की वजह से 5 गुना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है, 5 गुना ज्यादा वैल्यू पजेस करता है. एक बात और आप देखिए, यहां से देखिए किस तरीके से, ये देखिए हीरे हीरे, रोज कट. रोज कट क्या होता है बताता हूँ. okay. आपको रोज कट डायमंड्स लगे, ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स, आपके और हमारे और नहीं पूरी दुनिया के प्यारे प्रिय, जिन्हें हमने टैलेंटेड डायमंड भी कहा था. हाँ. जिन्हें हम इंटेलिजेंट डायमंड भी कहा था. आर्गाइल डायमंड से है और इसका सर्टिफिकेट भी हम आपको देते हैं कि एक एक हीरा आर्गाइल हीरा है. ये हीरे आउटलाइन बनाया किस तरीके से, फिलीग्री आर्ट वर्क किया गया, ये देखिए. हाँ हाँ हाँ. और किस तरीके से एक शेप और गेरुआ पसंद आ रही है यार. रंग दे तुम ओए गेरुआ, यहीं से निकला था क्या गाना? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट यस. और एक बार हाथ को टिल्ट कीजिए ताकि हाइट का एहसास हो. आपको अंदाजा होगा कि ये देखिए, आप देखिए रिंग की हाइट का अंदाजा होगा. ओहो हो, ये देखिए किस तरीके से इसे बनाया गया. अब आप मुझे बता दीजिए क्या बाकी रह गया आपके लिए, क्या बाकी रह गया इसे पहनने के बाद में, क्या फीलिंग आने वाली है आपको और आपके अपनों को जो आपको जब इस रिंग को पहने हुए देंगे. और ये रिंग क्या है? जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन की एक नायाब पेशकश है. एक नायाब पेशकश है, यस ट्रू. और आई थिंक स्टार बाय पीसेस, सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम आपके लिए लेकर आए. बहुत शानदार रिस्पॉन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं. और क्योंकि आज ही इसे फ्रेश लॉन्च किया गया है, अभी न्यू अराइवल है आपके लिए. दिस इज समथिंग वेरी 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 रॉयल. You are just going to love it. आप भी कुछ शाही, कुछ रॉयल, कुछ अनोखा पहनना चाहते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. This is just for you. Of course, आपके पास facilities हैं जो जयपुरिया आपको provide करता है. 30 days money back guarantee है, cash on समय दौड़ रहा है रोशनी पोने नो, इसी के मैचिंग भाग रहा है. आप सोचिए ये, लेकिन हम ले गए आपको उसी शाही खजाने की तरफ, जिस शाही खजाने को देखने के लिए बस 2003 के अंदर अहमदाबाद के अंदर जनता उमड़ी थी और पैसा देकर के जब गवर्नमेंट ने एग्जिबिट किया था इन प्रोडक्ट्स को. कौन से प्रोडक्ट्स को? जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन को उन्होंने प्रदर्शित किया था. वो कलेक्शन, वो खजाना जो जूनागढ़ के किले में मिला था, महलों में मिला था, उसे गवर्नमेंट ने प्रदर्शित किया था, जनता के लिए रखा था. 219 ज्वेलरी गोल्ड के पीसेस थे उनमें से, और उन्हीं में से वहीं से ये डिजाइन, वहीं से पेंडेंट जो है, और इसी के मैचिंग का पेंडेंट भी है. सेम डिजाइन है जो पेंडेंट के साथ में आप सेट बना दीजिए. ऐसा पेंडेंट, पता है कुछ चीजें ऐसी इतनी ग्रैंड होती है रोशनी कि ये पेंडेंट अपने आप में, जैसे पारस पत्थर के बारे में आपने सुना, पारस पत्थर को कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा भी है लेकिन देखा कभी नहीं, काश मिल जाए मुझे. कहते पारस पत्थर को अगर लोहे को छुआ दो तो लोहा सोना बन जाता है. उसी तरीके से ये पेंडेंट ऐसा पेंडेंट है जिसे अगर चेन में डाल दो तो ये उस चेन को नेकलेस बन जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने. देखा ये दिल की बातें होती है और ये वास्तव में आप इसे देखिएगा जरूर. एक ही बार में फाइनल प्राइस आने वाली है. प्राइस आ चुकी है, प्री बुकिंग डील आ चुकी है. फाइनल प्राइस आपके स्क्रीन पर आएगी, पेंडेंट की प्राइस. और पेंडेंट के अंदर कितने डायमंड्स हैं?
और कितने रूबी हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इज देयर ऑन योर स्किन। लगभग एक कैरेट के डायमंड है, 80 पॉइंट्स का डायमंड है। Yes. इतना ग्रैंड पेंडेंट। Yes. Oh my God, मेरी आंखों की रोशनी और तेज हो गई है इसको देख के। 80 पॉइंट्स के डायमंड्स हैं इसके अंदर, वही आर्गाइल डायमंड्स जो रोज कट में तराशे गए हैं, और इसमें जो रूबी है वो है 2.35 कैरेट के। वाह, खूबसूरती का। अब हम वक्त आ गया जब मैं आपको बताऊं कि रोज कट है क्या, असल में रोज कट क्या होता है, यानी डायमंड को किस तरीके से तराशा गया है। इस तरीके से तराशा गया है कि वो ऐसा लुक देते हैं जैसे गुलाब के फूल की कली हो, और इसीलिए वहीं से नाम निकला इसका रोज कट। Okay. और एक देखिए इस तरीके से जो डायमंड का पेविलियन वाला हिस्सा होता है ये फ्लैट होता है, बॉटम जो होता है पूरी तरह से फ्लैट होता है, ये चिमटी से पकड़ा हुआ, ट्वीजर से पकड़ा हुआ इसे। उस केस के अंदर साइड लुक है कि किस तरीके से डायमंड दिखता है, और यहां पर ऊपर की तरफ आप देखते हैं डोम शेप, और ये डोम शेप पे ट्रायंगुलर फैसेटिंग होती है, 12 से लेकर के 24 तक जनरली फैसेटिंग की जाती है, फैसेट्स बनाए जाते हैं ट्रायंगुलर शेप में, यू नो। सो इसकी वजह से ऊपर से जब देखते हैं तो आपको ये लुक नजर आता है, और इसे बोलते हैं रोज कट, यानी हीरो को रोज कट की तरह कट देना, यानी इस तरीके से तराशना कि वो गुलाब के फूल की कली की तरह नजर आए। उसकी खूबसूरती एक अलग लेवल पे होती है, जो विंटेज लुक देती है, हेरिटेज लुक देती है, जो लुक शाही लुक देती है आपको। और इसी की ड्राइंग भी है जिसकी, जिसमें आप इसको और अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए साइड लुक से आपको इस तरीके से, इसे कहते हैं ट्रायंगुलर फैसेटिंग, आप देख रहे हैं त्रिकोणीय फैसेटिंग, यहाँ पे भी डोम पे भी ऐसा ही है, और इसे बॉटम जो होता है पूरी तरह से फ्लैट होता है। तो ऊपर से जब आपको जितने भी ज्वेलरी पे लगे हुए जब डायमंड्स आप देखेंगे तो आपको साइड लुक नहीं दिखता है, आपको दिखता है लुक ये, यहाँ पर ट्रायंगुलर फैसेटिंग जब मिलती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी अच्छा होता है, और नज़र आता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ जो इतिहास से लेकर के आए हैं। देखिए ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारा आईना होता है, वो फैशन की चीज़ नहीं होती है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फैशन, दैट इज़ अ पार्ट दैट इज़ लाइक ए मिरर ऑफ आवर पास्ट, और जो बहुत सम्माननीय है, सम्मान के लायक है, विच इज़ हाईली रिस्पेक्टेड। यस, तो आई थिंक इतना गजब पीस है। मैंने मनीषा जी ने रायगढ़ से इसका ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर लिया है, मैंने आपका नाम देखा है, एंड आई एम रियली श्योर आपने बहुत ही गजब चॉइस की है, बहुत अल्टीमेट पीस है यहाँ पर आपके लिए। इसकी डील बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है। आपको रिंग दिखाई हमने, आपको पेंडेंट हम इस वक्त दिखा रहे हैं, दोनों आप ओन कर सकते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन बनेगा। और बहुत देर से हमने इयररिंग नहीं दिखाएं आपको, और बैंगल्स भी हमारे पास बहुत कमाल बहुत के। कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है, 9 बजे तक का शो, इसलिए हम जल्दी जल्दी दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए इस वक्त रूबी का कलर देख रहे हैं आप, पेंडेंट के ऊपर नोटिस कर रहे हैं आप, वाह आप देखिए डेप्थ, देखिए कलर में आपको डेप्थ नजर आएगी। 6,500 रुपये के अंदर आपको जूनागढ़ी आर्ट पेंडेंट मिल रहा है, और 7499 के अंदर आपको मिले जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन से रिंग, जिसके अंदर रिंग के अंदर 1 कैरेट के हीरे और 2.5 कैरेट का एक रूबी का सॉलिटेयर लगा हुआ है। वाह, 30 दिन के मनी बैक गारंटी है। अगर आपको ज़रा भी पसंद आता है अपने घर मंगा करके खुद देखिए, खुद अपने ऊपर इन्हें पहनिए, यानी अपने ऊपर इन्हें ट्राई कीजिए, उसके बाद में फाइनल निर्णय कीजिए कि आपको हमेशा हमेशा के लिए इसकी आवश्यकता है या ट्रायल के लिए आपने मंगाया था। क्योंकि जिम्पोरिया पे हम ये सुविधा देते हैं कि नो क्वेश्चन मनी बैक गारंटी, कि आप अपने घर जब आप मंगा लेते हैं, जिस दिन आपके घर डिलीवर होता है उस दिन से 30 दिन शुरू होते हैं, ताकि आप पूरी तरह से संतुष्टि पा सकें, आपके अपनों की राय ले सकें। आप देखिए ये आर्टिस्टिक पीसेस हैं, जो कला हैं असल में, दिस इज़ व्हाट समथिंग विच इज़ एन आर्ट, और ये आर्ट जो है जूनागढ़ से आई है। आप अपने घर बैठे इंडिया में जिस किसी भी कोने में आप बैठे हैं, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आप सोचिए आपके घर तक हमने वो कलेक्शन पहुँचाया जो पहले केवल राजे महाराजाओं तक सीमित था, जो इतना लिमिटेड था, जो देखने को नहीं मिलता। और रोशनी इसकी एक और मैं बहुत बड़ी बात बोलूँ इस कलेक्शन की, क्योंकि ये वो चीज़ है, आज आप एक मोबाइल हैंडसेट लेकर के आइए तो दूसरे दिन आपके किसी फ्रेंड के पास में आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी। आज आप कोई ड्रेस लेकर के आइए अच्छी, थोड़े दिनों बाद आपको सिमिलर डिजाइन की ड्रेस आपको आपकी फ्रेंड के पास में, रिलेटिव के पास मिल जाएगी। लेकिन ये वो चीज है जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती, इवन सेलिब्रिटीज के पास में भी नहीं है। बिल्कुल सही बात, इवन सेलिब्रिटी, बिकॉज ये वो चीज है कहीं मिलती ही नहीं। आपने सुना कहीं जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन, आपने किसी शोरूम पे देखा कहीं? नहीं। आप सोचिए कितना यूनिक है आपके लिए, इतना यूनिक जिसे पाकर के आप खुद कहेंगे कि वाह, यू आर गोइंग टू फील हाईली हाईली स्पेशल। वाओ, दिस इज सो लवली, आई थिंक अमेजिंग चॉइस आप यहां पर करने वाले हैं, बहुत ही अल्टीमेट है अपने आप में।
6499 डील है स्पेशली आपके लिए. GFKM29 इज द प्रोडक्ट कोड एंड जस्ट लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुल शाइन. आप चाहें इसके साथ मैच कर वेयर कर सकते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. और बहुत सारी चीजें और भी हमारे पास, बट देन ये डील अगर खत्म हो गई तो आपको वापस नहीं मिलने वाली है. और नेक्स्ट जो पीस आने वाला है, आई जस्ट लव दिस पीस सर. मैंने इसको, मैं आपको बताऊंगी, मैंने जो नेक्स्ट डील है जो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने कल देखा था. हाँ, और एक्चुअली जूना ये मैं बहुत एक्साइटेड थी ये पूरे कलेक्शन को देखने के लिए, लेकिन सबसे पहले मेरी नजर इस कड़े पे पड़ी. इससे पहले भी हम बहुत सारे कड़े दिखा चुके हैं जयपुरिया पर, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होता है ना, लव इट फर्स्ट साइट, ऐसा लगता है बस मुझे ये चाहिए और मुझे जिंदगी में अगर कोई कड़ा नहीं मिले तो भी चलेगा, मुझे बस ये चाहिए. ये वोला फील देता है. आई मीन इतनी बारीकी से, मतलब सच में जिन्होंने इसको बनाया है ना, मतलब कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है. इतना बेहतरीन कोई कैसे बना सकता है, मतलब कैसे बना सकता है. आपके लिए हम जयपुरिया हर बार यही प्रयास करता है कि हम आप तक वो पहुंचाएं जो शायद आप हमसे उम्मीद करते हैं, और इसीलिए हम हर बार पहले से बेहतर होते जाते हैं. हम हर बार कहते हैं ग्रोथ की परिभाषा क्या है, इफ यू आर बेटर देन योर पास्ट. इसकी खूबसूरती आपको देखनी जरूर चाहिए, बिकॉज वो फिलिग्री वर्क, वो गेरुआ प्लेटिंग, वो जेमस्टोन्स की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर, ये मुस्कुराते हुए रूबीज जो हैं, जगमगाते हुए डायमंड्स जो हैं, इतना बेहतरीन लुक दिखता तो ऐसा है कि पूरा का पूरा गोल्ड में. जूनागढ़ी आर्ट ओपनेबल बैंगल, जूनागढ़ी आर्ट ओपनेबल बैंगल है ये, और इसके अंदर जितने हीरे लगे हैं ना, और जितना रूबी है 60 पॉइंट्स के, लेकिन हीरे जो लगे हैं 1.31 कैरेट के, यानी सवा कैरेट से ज्यादा के इसमें हीरे लगे हैं. और इसका जो आर्ट वर्क है वो तो बहुत ही कमाल है, और ओपनेबल है, यानी ओपनेबल का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से खुल जाता है और इस में आप अपनी, इसके आप अपनी कलाई में स्लाइड कर सकते हैं बड़ी आसानी से. तो हर किसी के साइज का है, फ्री साइज है, चाहे आपका कलाई का साइज 2-2 आना हो, 2-4 आना हो, 2-6 आना हो, 2-8 आना हो, 2-10 आना हो, जो मर्जी साइज हो, आप देखिए आपके कलाई में बड़ी आसानी से फिट हो जाएगा और आपको महसूस कराएगा वही प्राइड, वही प्राइड आपको महसूस होगा. जो प्राइड, एक ही बात बोलूंगी यहाँ पे, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, मैं यही बोलूंगी आपको कि अगर हम, क्योंकि आपके साथ 3 साल से लगातार जुड़ रहे हैं, हमारा 4th साल है, अगर हम, आप हमारे सजेशंस को मानते हो तो मैं एज अ ज्वेलरी एक्सपर्ट आपको यही एडवाइस दूंगी, अगर आपके पास ये कड़ा नहीं है, आपने खूबसूरती की असली परिभाषा जानी ही नहीं है, मैं इतना ही आपको बोलूंगी. बिकॉज हर एक चीज में, हर एक रूप, हर एक लुक में, हर एक जगह जो कमाल है, तो मैं यही बोलूंगी कि एज अ ज्वेलरी एक्सपर्ट अगर आप हम पर विश्वास करते हैं और ये बात समझते हैं कि हम हमेशा वैल्यू ही लेकर आएंगे, एक्सेप्शनल खूबसूरती ही लेकर आएंगे. एक्सेप्शनल खूबसूरती है, फ्री साइज बैंगल है, खूबसूरत. एक बार राहुल मुझे यहाँ दीजिए इसको ताकि मैं एक्सप्लेन कर. इसके डिजाइन में बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, बहुत खूबसूरत अंदाज है. आप देखिए, अभी आप देख रहे ये जो आप देखिए रेडिश येलो कलर, ओहो क्या मतलब, ऐसे लग रहा है भट्टी में तप करके सोना किस तरीके से कुंदन बन गया है, यानी एक बिल्कुल वही लुक जो लुक 24 कैरेट शुद्ध सोने के अंदर आता है, वही लुक आपको देखने को मिलता है. ओपनेबल है, आराम से आप इसको खोल सकते हैं. कमाल की खूबसूरती, आप देखिए इसके 2-3 हिस्से हैं, इसमें अलग अलग 3 हिस्से हैं रोशनी, जिसे आप, हम व्यूअर्स को बताएंगे, थोड़ा और क्लोज लुक आएगा तब इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे किस तरीके से इसका निर्माण किया गया. यहाँ रोकिएगा इसको, आप देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं. पहला सेक्शन यहाँ है जहाँ पर लॉक दिया गया है, यानी सिक्योर लॉक है, ताकि आप इसे खोल ओपन करके अपनी स्लाइड में, अपनी कलाई में स्लाइड कर सके. हाँ जी, और अब यहाँ पर फिलिग्री आर्ट वर्क है पूरी तरीके से, जो शाही खानदान के लिए ही माना जाता था, वही लोग करवाते थे, क्योंकि घड़ने के अंदर हथौड़ी छीनी हथौड़ी से घड़े जाते थे, बहुत लंबा समय लगता था साहब, बहुत लंबा समय. हाथ का काम है, हाथ की कारी है, किस तरीके से एक एक वर्कमैनशिप देखिए, आप वर्कमैनशिप देखिए किस तरीके से एक एक सोने के वायर को
मोल्ड किया हो, ये ना इसके अंदर स्टर्लिंग सिल्वर में बना हुआ है जिसके ऊपर गेरुआ गोल्ड प्लेटिंग की गई ताकि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली डील बन सके। और आप सोचिए एक एक वायर को किस तरीके से मोड़ करके हाथ से, ये सारा काम हाथ से होता है। और फिर यहाँ देखिए प्रोंग्स के अंदर रूबी को सेट किया गया। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे और यहाँ पर नीचे आप नोटिस कीजिए ऐसे लगता है सोने का एक रस्सा हो, सोने की एक रस्सी हो, ये लुक आता है यहाँ पर आप देखिए। और जैसे जैसे रस्सी ऊपर जाती है यहाँ पर रोकेगा इसे, अब देखिए ये पार्टीशन का काम कर रहा है। जैसे आगे चलते हैं यहाँ पर रूबी और फिलिग्री आर्ट वर्क एक तरफ हो जाता है और यहाँ से आपके डायमंड्स, आपके प्रिय आर्गाइल डायमंड्स जिन्हें रोज कट यानी जिन्हें एक डिफरेंट अंदाज से, कौन सा अंदाज, वही अंदाज जो गुलाब के फूल की कली के अंदर होता है, वही अंदाज के अंदर। और एक एक डायमंड के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये साधारण सेटिंग नहीं है। बेजल सेटिंग वो होती है जिसके अंदर वास्तव में बहुत इंटेंसिव मेहनत होती है क्योंकि आप सोचिए ये फिनिश लाना बेजल सेटिंग में पूरे सरफेस के ऊपर 360 डिग्री एंगल पे ये फिनिश लेकर के आना कि इतने हाई डेफिनेशन कैमरा होने के बावजूद भी आपको पूरी तरह से खूबसूरत नजर आए। हाई डेफिनेशन कैमरा की बहुत अच्छी बात होती है कि हर डिटेल दिखाता है, लेकिन एक और अच्छी बात होती है कि वो कमी को भी बहुत बड़े तरीके से उजागर करता है। अगर जरा सी भी कोई कमी रह जाए ना तो उसको भी बहुत जबरदस्त तरीके से दर्शाता है। सो कोई कमी हो ही नहीं सकती आपके जिम्फोरिया में, आप देखिए किस तरीके से और उसके बाद ये डायमंड्स का पूरा पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा मैदान है डायमंड्स का इस बैंगल के अंदर। और फिर यहां पर एक और जालीदार काम वर्क शुरू हो गया और ये ओपनेबल है। आपको रोशनी इसे एक बार ओपन करके दिखाइए कि किस तरीके से इसे ओपन करके आप सेट कर सकते हैं। फ्री साइज है ताकि आप खुद पहने, और कई बार ऐसा होता है रोशनी कि फैमिली के अंदर, फैमिली फंक्शंस के अंदर, शादी विवाह उत्सव के समय पे ऐसा होता है कि हम रिलेशंस में ज्वेलरी एक्सचेंज भी करते हैं। कई बार जब आपका दिल भर जाए तो उसके बाद आप किसी भी अपने के साथ में इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उन्हें पहनने के लिए दे सकते हैं। ओपन साइज है यानी आपको किसी के कलाई के साइज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह, फ्री साइज, दिस इज लवली। मतलब आपकी कलाई चौड़ी है, पतली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनको वेयर कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल लॉक है, देखिए ये फर्स्ट लॉक हो गया, सेकेंड लॉक जो है यहाँ पर आपने देखा आप सेकेंड लॉक के जरिए इसे लॉक कर सकते हैं, एंड देन द थर्ड लॉक इज हियर। तो इस तरह से ये तीन ट्रिपल लॉक हो जाता है कि आपके हाथों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है। अर्जुन जी है हमारे साथ यहाँ पर सहारनपुर से, बहुत सारे कॉलर साउथ वेस्ट दिल्ली से हमारे साथ जुड़ते हुए बार बार आपको इस बात के बारे में इसलिए बताते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा खास है। जब इस तरह की कलाकृतियों की बात करते हैं, इस तरह से ज्वेलरी को बनाना, एक परंपरा जो है उसको सामने लाना, हमारी संस्कृति को लेकर आना, आई थिंक बहुत गजब बात हो जाती है। एक कड़ा भी अगर आपने इस तरह से हाथों में पहना है, कोई चूड़ियां पहनने की आपको जरूरत नहीं है, एक कड़ा भी अगर आप अपने हाथों में पहनते हैं, दिस इज इट, जस्ट लुक एट दिस। एक तरफ पूरे डायमंड्स का खूबसूरती है और दूसरी तरफ पूरे रूबीज नजर आते हैं। यू आर जस्ट गोइंग टू लव दिस। लगातार लगातार कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ते हुए और बिल्कुल गेरुआ जो प्लेटिंग है ये यहाँ पर नजर आता है, इतना गजब लग रहा है, मतलब कमाल की चीज है, कमाल की चीज है। और 30 दिन के मनी बैक गारंटी, आप खुद मंगा के देखिए। और लोगों ने दो दो खरीदे रोशनी, जितने भी लोगों ने खरीदे हैं हाथों में एक एक, आप देखिए। हाँ होता ही ये चीज है, देखिए ये चीज़ें वो हैं जो रोज़ रोज़ नहीं आती हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें देख करके आप, जिन्हें पा करके आप गर्व की अनुभूति करने वाले हैं क्योंकि ये चीज़ें कहीं मिलती ही नहीं है, सिर्फ आपके पास में होती है। एक यूनिक एहसास आपको मिलता है, एक शाही अंदाज आपको मिलता है, बहुत ही खूबसूरत। इसको वेयर कर आपको कोई और ज्वेलरी पहनने की जरूरत नहीं है। 999 की जो डील है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट दिस, आई मीन आई एम इन लव विद दिस, इतना ज्यादा शाही लुक है इसमें। और हमारे पास में रोशनी लास्ट थ्री पीसेस, लास्ट थ्री अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटायर नेशन, 9999 में आपको 1.3 कैरेट के, सवा कैरेट से ज्यादा के ऑस्ट्रेलियन रोज कट डायमंड्स मिल रहे हैं और 60 पॉइंट्स के रूबी। और आप देखिए किस तरीके से इसे बनाया गया, आप 9000 में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक कैरेट के हीरे भी मिल जाएंगे, सोचिए ये, और वो भी ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स। यस, तो ओपनेबल बैंगल है, आराम से आप वेयर करिए, साइज का कोई इश्यू नहीं आने वाला है। But then we do not have much pieces here in the stock. ये deal बहुत जल्दी हमको close करनी पड़ेगी क्योंकि pieces ही नहीं है। Pieces नहीं है। और अब एक चीज दिखाते हैं हम, ऐसी चीज,
ऐसी चीज कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रोज का डायमंड्स हो, मतलब ऐसे सिंप्लीफाइड डिजाइन, ऐसे लगे कि जैसे शुद्ध सोने की गिन्नी की जगह डिजाइन बना दी उसके अंदर हीरे सजा दो, यू नो, और नहीं बहुत मतलब ये चीजें प्लेन एक कहते हैं ना ऐसी डिजाइन जो सिंपल एंड सोबर हो लेकिन बहुत ही क्लासी हो, बहुत ही क्लासी हो। एक कैरेट इतने ग्रैंड है, मेरा हाथ इतना सा लगने छोटा दिखाइए दिखाइए। ओके तो इस अब ये खूबसूरती जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बैंगल की, ये तो यहाँ पर खत्म होती है। आप चाहें फिर भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जब तक आपके पास स्टॉक रहेगा आप तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन अब जो डील आपको दिखाएंगे हाँ वो आपका दिल फिर खुश कर जाएगी, बिकॉज ये एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल और बहुत यूनिक है। अभी तक आपने देखा एक कॉन्ट्रास्ट था डायमंड्स का और रूबीज का, इसमें केवल केवल और केवल ऑस्ट्रेलियन रोज का डायमंड्स, ऑस्ट्रेलियन रोज का डायमंड्स का संसार है यहाँ पे, मतलब संसार है और इसमें डायमंड्स की भरमार है। आप देखिए किस तरीके से आपको सोने का लुक दिख रहा है, किस तरीके से जगमगा, ऐसे लग रहा है आकाश के अंदर बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे। एक बार लाइट डिम करने की कोशिश कीजिए, लेट्स सी। मैंने ऐसा क्योंकि जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन में ऐसा किया नहीं गया है, लेकिन हम देखें एक बार कि क्या ऐसा लगता है अगर कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं तो क्या हमें ये ऐसा लुक देंगे जैसे वास्तव में आसमान में बहुत सारे असंख्य तारे हैं जो टिमटिमा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है हीरे जमीन पर, ये देखिए तारे जमीन पर नहीं तारे हाथों के अंदर, ये देखिए ये आया लुक, दिस इज व्हाट समथिंग स्पेशल, ये ही मैं चाह रहा। आप देखिए स्पेक्ट्रम देखिए, मतलब अगर कहीं लाइट चली गई हो अभिजीत सर, अगर कहीं लाइट चली गई हो तो आपका ढूंढना बड़ा आसान होगा क्योंकि आप नहीं दिखेंगे, जो स्पार्कल है वो आपको बता देगा। स्पार्कल आप देखिए क्योंकि ये आर्गाइल डायमंड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन रोज, इन्हें रोज कट यानी गुलाब के फूल की कली की तरह तराशा गया है और स्क्रीन पे एक ही बार में फाइनल प्राइस आने वाला है एक कैरेट से ज्यादा के लिए 1.09 कैरेट के, इसके अंदर लगे हुए आर्गाइल डायमंड्स वो भी रोज कट के अंदर, और ये है जूनागढ़ी आर्ट की वो नायाब रिंग, वो नायाब अंगूठी जिसे देख करके आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। ओह माय गॉड, क्या ये फाइनल डील है? यस दैट्स अ फाइनल डील, लॉक हो चुकी है, फाइनल डील है। इसी की मैचिंग के हमारे पास में और भी चीजें, सेम मैचिंग के पेंडेंट भी है और क्या है, सेम मैचिंग के पेंडेंट है और अंगूठी हम आपको दिखा रहे हैं और इयररिंग्स भी है। सो ये पेंडेंट की भी प्राइस आने वाली है, सेम लुक है, एवरीथिंग इज सेम, स्पेसिफिकेशन का थोड़ा फर्क है, सेम लुक है। आप देखिए जैसे लाइट थोड़ी सी डिम की गई थी क्या नजारा था रोशनी, मुझे लगा ये ऐसा हमने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि आर्गाइल डायमंड्स है भाई, टैलेंटेड डायमंड जिनको बोला जाता है। बिल्कुल बहुत ही शानदार पीस है और पूरा मुझे लगता है ये जो आर्गाइल डायमंड्स की जो जॉइंट फैमिली है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, बिकॉज पूरा का पूरा परिवार है यहाँ पर डायमंड्स का, एंड दिस इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, such a wonderful piece just for you, wow, amazing beauty। पेंडेंट की डील भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, रोशनी अभी आपको दिखा रही है पेंडेंट कैसे हैं और इसी के मैचिंग की इयररिंग्स भी रोशनी जो है वो आपको पहन के दिखा रही है। यस बहुत ही शानदार पीस अपने आप में, such an incredible piece। रिंग के अंदर एक कैरेट से ज्यादा के लिए 1.1 कैरेट के आर्गाइल डायमंड्स हैं जिन्हें रोज कट दिया गया है, पेंडेंट के अंदर एक कैरेट अभी आपको रोशनी दिखाएगी उसके अंदर एक कैरेट के आर्गाइल डायमंड्स हैं रोज कट के अंदर, और इयररिंग्स के अंदर जो हम थोड़ी देर में दिखाएंगे उसमें भी लगभग एक कैरेट है, 95 पॉइंट्स के डायमंड्स हैं, लगभग एक कैरेट मानिए। Yes, so मतलब आप देखिए टोटल वैल्यू देखिए, आप जो चाहें, आप चाहें पूरा सेट अपना सकती हैं, आप चाहें तो रिंग लीजिए, चाहे तो पेंडेंट लीजिए, चाहे तो इयररिंग्स लीजिए, चाहे तो पूरा कलेक्शन लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर, बिकॉज लेने के बाद जो आपको एहसास होगा वो इतना खास होगा। आप देखिए गेरुआ गोल्ड प्लेटिंग, और आपको मैं हम इसकी डिटेलिंग और दिखाएंगे तब आपको लगेगा कैसे प्यार से बनाया गया है, इसे किस तरीके से अंदाज है, ऐसे लगता है कि सोने की थाल के अंदर हीरे परोस दिए गए हों। रोशनी ऐसा लुक आता है कि सोने के थाल के अंदर हीरे सजा दिए गए हो, दिस इज व्हाट थाल नजर आता है, ये चीज ही है, मतलब शाही और ठाट दोनों ही नजर आते हैं यहाँ पे मुझे तो, दिस इज सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग, जूनागढ़ के जो, और ये रोशनी के हाथ लगने के बाद में, क्योंकि देखिए अगर क्लीन कर लेते ना रोशनी इनको तो और ज्यादा समझ, बिकॉज आपके हाथों से फिंगरप्रिंट नजर आते हैं, चलिए देखते हैं कोशिश करते हैं। Wow. 1.1 कैरेट के हीरे आपने देखे थे रिंग के अंदर और 1 कैरेट 95 पॉइंट्स के डायमंड्स हैं इयररिंग्स के अंदर।
पेंडेंट के अंदर है वन कैरेट के डायमंड्स, वही आर्गाइल डायमंड्स की खूबसूरती। कमाल की बात है, जिस किसी पे भी आपका दिल आए उसे आप अपना बना सकते हैं। और इन जब आपने पहन लिया ना इन्हें, तो डेफिनेटली आपके इस ज्वेलरी के ऊपर भी हर किसी का दिल आने वाला है, हर किसी का दिल आने वाला है। और एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि आप इयररिंग को देखें जरूर, वेयर कर भी मैं आपको दिखाती हूँ, यू आर जस्ट गोइंग टू लव दिस, सच एन इनक्रेडिबल पीस। एक पूरी फैमिली जो नजर आती है मुझे आर्गाइल डायमंड्स की यहाँ पर, वो बहुत ही ज्यादा कमाल के, लवली लवली ब्यूटी। सारी जो डील्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन के सामने, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप इयररिंग्स को जरूर देखें। लुक देखिए, ये देखिए क्या क्लासी अंदाज है रोशनी। ये वो चीज है जिसे डेली आप पहन सकते हैं, है ना? ये वो चीज है जिसे आप, मतलब आप किसी भी ओकेजन में, ये वो चीज है जहां पर एक सादगी भरा लुक, सादगी और शाही दोनों चीजों का अनूठा संगम है। बिकॉज सादगी इसलिए क्योंकि ये वो डिजाइन है प्लेन जो हर किसी को पसंद, जिससे कभी दिल भरेगा ही नहीं। देखिए इस, ये वो डिजाइन है जिससे कभी आपका दिल भर ही नहीं सकता। जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन का आप ये एक कैरेट 1.1 कैरेट की डायमंड रिंग देख रहे हैं, डायमंड भी कौन से, आर्गाइल डायमंड्स। और एक बार फिर से लाइट डिम करके हम वो लुक देखना चाहेंगे रोशनी, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है मैं वापस से वो देखूं, लेकिन आप एक बार पेंडेंट भी देख लीजिए, रोशनी ने पेंडेंट भी पहना है ताकि आपको अंदाजा लगे कि क्या चीज है जो आपके लिए हम इस कलेक्शन में लेकर के आए। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल पीस है अपने आप में। यहाँ पर देखिए आपको मैचिंग मिल रहा है, पेंडेंट भी ऑन कर सकते हैं, इयररिंग्स भी हैं, रिंग भी है, एवरीथिंग इज जस्ट फैंटास्टिकली अमेजिंग। और यहाँ पर रिंग का जो एक लुक है, बिल्कुल आपको बताएंगे डिम लाइट में भी इतने फैंटास्टिक नजर आते हैं, बिकॉज ये जो कमाल है ये रोज कट ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स का है, दैट इज द रीजन। और करीब 400 सालों से पहले के जमाने में जब ज्यादा लैपिडरिस या ज्यादा टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी, ज्यादा कट से डिस्कवर नहीं किए गए थे, रोज कट काफी ज्यादा प्रचलित रहा। वाह, और इसके साथ में आपको एक ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट मिलता है, yes. जो डायरेक्ट रियो टिंटो से ने ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स का एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ये कार्ड मिलता है जो इस बात का प्रमाण है हर एक ज्वेलरी पीस के साथ में कि आपके ये जो डायमंड्स हैं वो हैं ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स। और ऑस्ट्रेलियन डायमंड भी कौन से, वही आर्गाइल डायमंड्स, आर्गाइल डायमंड से आए, आर्गाइल माइन से आए हुए वो हीरे जो आपको खास एहसास देते हैं खूबसूरती का। वाह क्या बात है, बेजल सेटिंग सोचिए, ये जो बेजल सेटिंग कहते हैं आप हीरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस तरीके से हीरे को सजाने के लिए, किस तरीके से पूरे यू नो एक मेटल का पूरा एक चादर जो है सर्कल बनाया गया है उन्हें होल्ड करने के लिए, इसे कहते हैं बेजल सेटिंग। आप सोचिए ये सारा काम हाथ से होता है, ये सारा का सारा काम पूरी तरह से हाथ से होता है, और मेटल इतनी सॉफ्ट नहीं होती है कि ऐसे ही कर दिया, इस पे फिनिशिंग लाना और गेरुआ गोल्ड प्लेटिंग यानी। और मुझे बोला गया है कि केवल लास्ट 3 मिनट की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 30 दिन की मनी बैक गारंटी अतिरिक्त है, यानी आपके घर जब पहुंचेगा तब से लेकर के पूरे 30 दिन है, आप 30 दिनों के अंदर खुद देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, राय कर सकते हैं अपनों से, और नहीं पसंद आता वापस कर दीजिए, योर मनी इज 100% सिक्योर। और आपके घर जब ये पहुंचेगा ना तो आप खुद मेस्मराइज फील कर, हर कोई आपसे पूछेगा कहां से लाए, और आप क्या कहेंगे, जूनागढ़ के किले से लाए, जूनागढ़ से लेकर के आए। आप सोचिए जूना का मतलब होता है पुराना, रोशनी ने शुरू में कहा था, यानी ये वो चीजें जो ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक खूबसूरती है जिन्हें भारत सरकार ने भी संजो के रखा हुआ है, जिन्हें खोला जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लोग जाकर के उन ज्वेलरी पीसेस को देखते हैं, और वही ज्वेलरी, वहीं से इंस्पायर्ड है ये डिजाइन्स, वहीं से इंस्पायर्ड है ये लुक, रोज कट डायमंड्स जो इसे एंटीक लुक देता है, और साथ ही साथ फिलिग्री आर्टवर्क शाही लुक देता है, और गेरुआ गोल्ड की प्लेटिंग इसे शुद्ध सोने का लुक देता है। Exactly. यानी ऐसा लगता है खजाने से, सीधा खजाने से आप लेकर के आए हैं, और आप ही के लिए तो बनाए गए हैं। बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोग इस वक्त फोन लाइंस पे जुड़े हुए हैं, और आप थोड़ा सा धैर्य रखिए रोशनी, आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए लोग, थोड़ा सा धैर्य कीजिए, बिकॉज आई कैन सी देर आर 17 पीपल हु आर वेटिंग टू अटेंड देयर कॉल। 17 लोग हैं इस वक्त जो अपनी कॉल को आंसर करने का इंतजार करें, थोड़ी सी तसल्ली रखिएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जब शो के हम अंतिम दौर में पहुंचते हैं, उस वक्त सब लोग सोचते हैं कि इससे पहले कि मेरे हाथ से निकल जाए, आई शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन का ये आर्टिस्टिक ज्वेलरी पीसेस जो आप देख रहे हैं,
कमाल की खूबसूरती, कमाल की क्लास लेकर के आए, और इसके अंदर हीरे भी जो है वो भी आर्गाइल डायमंड्स। मुझे तो वही लुक ज़्यादा पसंद आता है जिसके अंदर मुझे स्पेक्ट्रम नज़र आता है। कमाल, कमाल की बात है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है ये जो पेंडेंट देख रहे हैं आप, बिल्कुल मैचिंग है, इयररिंग्स है, बहुत डिफरेंट है, जो आपको ऐसा कलेक्शन कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। आई थिंक ये म्यूजियम क्वालिटी ज्वेलरी पीसेस हैं, ज्वेलरी कलेक्शन है जो स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन हम शो के अंतिम चरण पर हैं यहाँ पर, इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो जूनागढ़ी आर्ट कलेक्शन का आज के शो का आखिरी ज्वेलरी पीस है, ये आखिरी ज्वेलरी पीस होगा। लेकिन आप भी इस बात से वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि जब इस तरह की खूबसूरती दिखती है, एक जगह की संस्कृति, एक जगह का कल्चर हम आप तक ज्वेलरी के फॉर्म में ढाल कर लेकर आ रहे हैं, जो आसान बात नहीं है, जिसे संजोकर रखा जाता है, जिसे आप अपने पास जरूर रख सकते हैं। चंद्रकांता जी हमारे साथ, ऋतु, बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए, क्वीन है, ये सारी क्वींस हैं। डीडा जी सेंट्रल दिल्ली से, करुणा जी थाने से, इडा जी साउथ गोवा से, पिंकी जी अंबाला से, चंचल जी इंदौर से, निधि जी कच्छ से, और देखिए कच्छ से, गुजरात से भी हैं, यू नो। और अब मैं बात करूं, राजकुमारी जी रायपुर से, बी जी कटक से, दीपा जी लुधियाना से, उषा जी हैदराबाद से, सरोज जी केवी रंगारेड्डी से, विमला जी गुड़गांव से, और शर्मिला जी कोलकाता से, और बहुत सारे लोग लगातार इस ज्वेलरी पीस को, और सालिया जी, शैलजा जी, आई एम सो सॉरी, शैलजा जी बेंगलोर से, आपसे अनुरोध है, आपने इसे अपना बनाना चाहा है, शॉपिंग करने की कोशिश की है, लेकिन आप चेकआउट करना भूल गए हैं, कृपया चेकआउट जरूर कीजिए ताकि इस ज्वेलरी कलेक्शन को हम आप तक पहुंचा सकें, अन्यथा अगले 10 मिनट में ये आपके शॉपिंग कार्ट से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा और किसी और को चला जाएगा। बहुत शानदार यहाँ पर रेस्पॉन्स में देख सकती हूँ, लवली लवली रोज कट ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स है यहाँ पर, डील हम क्लोज करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अमेजिंग 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 रेस्पॉन्स आप सभी के लिए यहाँ पर, कुछ ऐसा जो एक्सक्लूसिव है, एक्सोटिक है, कल्चर से हमारे बहुत ज्यादा वाकिफ है, और मुझे लगता है जिसे संजो कर रखना बनता ही बनता है। ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें, इतिहास जो होता है ना हमारे कल्चर का एक आईना होता है, बिल्कुल ये आईना होता है, फैशन नहीं होता। हाँ। और ये फैशन थोड़े दिन चलता है, इतिहास तो हमेशा हमेशा बन गया, जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा अमीर होता जाता है। तो इतिहास का एक टुकड़ा हम पहुंचा रहे हैं, इतिहास से निकाल करके, हिस्ट्री से निकाल करके, यही होता है रोशनी, यही टाइमर जब खत्म होने वाला होता है तब पता चलता है कि आप देखिए कितने, मैंने बोला था बहुत सारे लोग फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, पहले 17 कॉल वेटिंग में थे, अभी 11 कॉल्स आर ऑन वेटिंग। और जो लोग पहली बार जयपुरिया से जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि आप एक इंटरनेशनल ब्रांड से डील कर रहे हैं, जयपुरिया एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो यूके से ओरिजिन हुआ है, और यूके में पिछले 14 साल से अपने बहुत ही अग्रणी ब्रांड परचम लहरा रहा है, यानी झंडा लहरा है, नंबर वन ब्रांड है यूके का। और इंडिया में दिस इज द फोर्थ ईयर विच इज गोइंग ऑन, हम खुद ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम माइन ओनर्स के पास में जाकर के वहां से जिमस्टोन्स को लेकर के आते हैं, तराशते हैं, ज्वेलरी का निर्माण करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं बिना किसी मीडिएटर के, वो भी 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ में। असली रत्नों के अंदर हम डील करते हैं, वी डोंट डील एनीथिंग विच इज नॉट ओरिजिनल, विच इज नॉट जेन्युइन, विच इज नॉट जेन्युइन, और ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट आपको देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, जीएसटी पेड इनवॉइस आप तक पहुंचाते हैं, आप सोचिए आपके घर तक, देयर इज नो हिडन चार्जेस, यानी कहीं भी किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, शिपमेंट का कोई चार्ज नहीं है, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन दिस, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन दिस, दिस इज द फुल एंड फ्राइडे डील, शिपमेंट का एक भी रुपए आपको पे नहीं करना है। तो एक बहुत ही अद्भुत जो कलाकारी थी, जो कलेक्शन था, वो आज के लिए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन क्योंकि 9 ऑलरेडी बज चुके हैं, एक नया कलेक्शन भी आपका इंतजार कर रहा है, और थैंक यू सो मच अभिजीत सर, इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी बातें, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई गेस इसी तरह से हम हमारे कस्टमर्स को भी यू नो खुश करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सच, देखिए जीवन जीवन है, ओके, और बहुत अनमोल है, इस अनमोल जीवन को हम जब ऐसी खूबसूरत ज्वेलरी से सजाते हैं ना, तो जीवन का मोल और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो विद दिस नोट हम इस कलेक्शन को यहाँ पे खत्म करें, मैं आपके साथ 9 बजे से 10 बजे तक भी रहूंगी, अभिजीत सर को हम टाटा बाय बाय कहते हैं और थैंक यू भी कहते हैं हमारे साथ। माय प्लेजर, माय प्लेजर। और आप देखिए इसी तरीके से, देख क्या है आपके पास अगला, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि मिक्स ऑफ, यानी हर आप, अच्छा उमिको में तेरा सो मेनी मोतियों का संसार, मोतियों का संसार, मोतियों का अनूठा संसार लेकर के आए, बहुत सारे, वाह, मतलब मोती आज भी महारानी गायत्री देवी, जयपुर की जो महारानी गायत्री देवी है ना, वो भी आज भी कल्चर पर्ल से बने हुए नेकलेसेस पहनती है।
जो ग्रेस, जो बात उनके अंदर है, सादगी और सुंदरता का जो अनूठा संगम मोतियों में देखने को मिलता है ना, आप सोचिए हंस भी मोती की चाह रखता है। क्या बात है, सही बात। सो आप देखिएगा बहुत खूबसूरत कलेक्शन लेकर के आ रही है रोशनी, 40 सेकंड में आपसे मुखातिब होगी वापस से। मैं इजाजत चाहूंगा बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में। नमस्कार।